अरे 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 अरे, ये वाली बिल्डिंग इंडिया की तरफ और वो जो दिख रहा है वो चाइना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या है कि आज का हमारा प्लान जो है वो बहुत ही जल्दी वाला प्लान था। जैसे कि हमने आपको कल ही बताया कि आज के दिन के लिए हम थोड़े से एक्साइटेड ज़्यादा है, क्योंकि आज जो जगह पर जाना है वहाँ पर, यहाँ पर इंडिया होएगा, यहाँ पर चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, यानी कि ज़ीरो पॉइंट पे। और ज़ीरो पॉइंट के साथ साथ हमको जाना है जी हरभजन सिंह गुरुद्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो उसको बाबा का गुरुद्वारा, बाबा का मंदिर इस नाम से भी जानते हैं। उसकी भी कहानी है, वहाँ पर चल के सुनाएंगे। और तीसरा हमारे को जाना है नाथुला पास, जहाँ पर हमारे को बर्फ़ मिलने की उम्मीद है। हमारी तबीयत ख़राब है इसीलिए हमने जैकेट वैकेट भी रख लिया, क्योंकि जाते हुए गर्मी होएगी, आते हुए ठंड होएगी, तो हालत ख़राब हो सकती है। बस एक ही गड़बड़ होगी कि दवाई भूल चुके हैं, पर कोई नहीं जी, जो भी होएगा रब दी मेहर होगी साढ़े, क्योंकि सफ़र बिन मंजिल है, मंजिल तक रब पहुँचाई दोगे सानू, यही सीन है। बाकी किदा हो जी सारे, वधिया आप? बहुत बहुत वधिया, बहुत बहुत वधिया, यही है सीन। बाकी सुबह सुबह उठ के बड़ा मज़ा आता है। और ये हैं जी सुबह सुबह के नज़ारे। आई होप मौसम खुला मिल जाए तो ये जो रेंज हमारे को दिख नहीं रही है ना सब तरफ, ये दिखने लग जाए, क्योंकि इधर ही कहीं कंचनजंगा है, हमारे को दिख जाएगी, आपको भी दिखा देंगे। यही है जी सीन, नज़ारे तो आ ही रहे हैं, पर चाय वाय नहीं मिली यार। चाय वाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। सुबह सुबह उठने का भी मज़ा है, जल्दी उठो, जल्दी आओ, अगली अगली सीट रोको, क्योंकि ये है हमारी गाड़ी जिस पर हमारे को जाना है। इससे पहले कि लोग आ जाएँ तो हमने सोचा कि हम आएँ, अपना रुमाल रख दें सरकारी बस की तरह, अपनी जैकेट रख दी है आगे की सीट पर, क्योंकि आपको नज़ारे दिखाने ज़रूरी है। तो ऐसे चलते चलते नज़ारे दिखेंगे, ऐसे चलते चलते हम नज़ारे देखेंगे। जाने से पहले ना आपको एक जगह पर रोकेंगे, जहाँ पर आपको ऐसा क्या होता है, समटाइम लोग कम सामान लेके आते हैं, तो आपको कैप वैप मिल जाएगी, यहाँ पर गमबूट मिल जाएंगे, गमबूट आप लेके जा सकते हो 100 रुपये में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेफ रहेगा, क्योंकि ऊपर बर्फ़ है, ठंड रहने वाली है, हालत ख़राब हो जाए तो। हमने ले लिया जी ये वाली टोपी, क्योंकि हम लेके आना भूल गए और हमारे पास ये वाला कलर भी नहीं था, तो हमने सोचा कि ले लिया जाए, मात्र 200 रुपये, सही है। नाथुला पास पे, और ये देख रहे हो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ के अंदर से ये पैरों को रख के हमारे को चलना है। वेलकम टू नाथुला पास। प्लीज़ ये कचरा मत करें, ये हम साइड में रख देते हैं, डस्टबिन है। क्या है कि जब आप इतनी खूबसूरत जगह पर आते हो उसके बाद ऐसे कचरा करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है ना, मतलब हमारे को भी अच्छा नहीं लगता। क्या है, हवाएं हैं तगड़ी, मतलब चारों तरफ से हवाएं हवाएं चल रही हैं। अच्छा है टोपी खरीद ली, नहीं तो हालत और ख़राब हो जाती। और यहाँ पर आ रहे हो आप तो टोपी, ग्लव्स, फेस पर मास्क, शॉल वोल लेके आइएगा, बहुत ठंड है। और आपको बता दूँ, ये वाली बिल्डिंग इंडिया की तरफ और वो जो दिख रहा है वो चाइना है। अभी ऊपर चल के दिखाते हैं आपको, चलो। क्या करूँ, दोनों हाथ ऊपर। डन जी, कहाँ से हो आप? राजस्थान से? राजस्थान।
थोड़ा सा इधर हो जाओ लड़कियों। वैसे तो यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत ही क्राउडेड मिलेगा, जबकि अपने सुबह 7:30 बजे निकले हैं, फिर भी फुल पैक है। पर अपने ऐसा करते हैं कि पहले ऊपर चलते हैं, बॉर्डर देखे हैं जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। चलो देखो, यहाँ पर आ रहे हो ना तो प्लीज़ अपने साथ, अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन का दिक्कत हो सकता है तो कपूर वगैरह लेके चलो। अरे 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 अरे, और यहाँ काफ़ी फिसलन है, तो लोग दिख रहे हैं ना आपको, गिर रहे हैं। अभी किसी को ऑक्सीजन कम हो गई थी तो फटाफट उसको कपूर वकूर सुंघाया। ऐसा नहीं है कि आप सेफ जोन में हो, काफ़ी हाइट पर हो, तो थोड़ा सा ख्याल रख के आना जी। पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, सेफ्टी ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको इतना भीड़ भी देखने को मिल जाएगा, मतलब गिरते पड़ते सब पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ये चल रहा है, क्या है कि ब्लैक आइस हो चुका है इसलिए चढ़ना और मुश्किल है, तो हमने सोचा कि सीढ़ियों से नहीं जाते, बर्फ बर्फ पर जाते हैं। तो थोड़ा रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को नहीं पता कि इस साइड में कितना गहरा है, तो इसलिए आराम आराम से सीढ़ियों सीढ़ियों वाली साइड। और ये हाल है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मतलब आपको क्या ही बताऊं कि इतना पास बॉर्डर था, मतलब ऐसे दिख रहे थे हमारे को जैसे हम गुरेज में गए या जहां जहां पर भी हम बॉर्डर देखते हैं वहां पर कुछ मीटर्स या किलोमीटर का फर्क होता है, पर यहां पर तो इतना पास था। ऐसे खड़े होके उनकी बिल्डिंग देख रहे हैं, वो हमारी बिल्डिंग देख रहे होंगे, ऐसे तारों पे खड़े हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ था जब मैं श्रीगंगानगर में हिंदू मलकोट बॉर्डर पे था, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था एक पैर इंडिया में एक पैर पाकिस्तान में। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं कि एक हाथ चाइना में एक हाथ इंडिया में। व्यू तो है यार, पर बहुत ही क्राउडेड है। और कंचनजंगा जो है वो इसके उस साइड में है, जाते हुए शायद हमारे को दिखेगी। सही है, आर्मी ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इतना अभी लेटेस्ट में रिसेंटली बर्फ पड़ा है कि वो ब्लैक आइस हो गया तो फिसल बहुत रहे हैं लोग, यही एक गड़बड़ हो रही है बस यहाँ पर। ये देख रहे हो जी, चाइना वाली साइड आ गई, इंडिया वाली वहाँ तक हम खड़े हो गए, ऊपर खड़े थे वो हमारा तिरंगा झंडा, ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया जी। यही है जी, रब की मेहर है, सब देख रहे हैं हम इस ज़िंदगी में, और क्या चाहिए। हाँ बॉर्डर है जी, बॉर्डर। बाबा हरभजन सिंह गुरुद्वारा, इसकी मान्यता भी अलग है क्योंकि इसकी कहानियाँ हमने भी सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, पर कहानियाँ कहानियाँ हैं। यहाँ वाले लोगों ने सोचो मंदिर गुरुद्वारा सब बन गया है कि हरभजन सिंह जी जो थे वो ऐसे सिक्किम रेजिमेंट में थे उस टाइम पे, और कुछ काम से वो जा रहे थे और शायद पैर फिसलने की वजह से उन पानी के साथ तैर कर कुछ 7-8-9 किलोमीटर आगे निकल गए थे, किसी को नहीं मिल रहे थे वो और मर चुके थे। तो उन्होंने दूसरे सिपाही के सपने में आके बताया कि मैं कहाँ पर हूँ, फिर उन्होंने ही बोला कि मंदिर बनाओ, और फिर उन्होंने ही बताया एक बार सपने में आके कि चाइना हमारे पर कहाँ से अटैक करने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे को सुनने को मिली हैं, तो उस वजह से हरभजन सिंह गुरुद्वारा है जी। जो मतलब होते हैं ना सिपाही, वर्दी पहने या नहीं पहने, जिंदा है या अमर हो गया है, फिर भी अपने देश की सेवा करना नहीं भूलता, तो इसलिए यहाँ पर आओ और देख के जाओ। ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर आके आपको एक और फीलिंग आएगी देशभक्ति वाली, क्योंकि यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक मिलेगा देशभक्ति वाला, हो 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 संदेश से आते हैं। मतलब एक तो आप ऐसी फीलिंग में हो जहाँ पर आपको इतनी बड़ी हिस्ट्री पता लगती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आके जब आप म्यूज़िक सुनते हो ऐसा, तो अंदर से ऐसे अपने आप निकल जाता है वंदे मातरम, जय हिंद, सब निकल आता है। यही है जी, चलो यहाँ से निकलते हैं आप अगली डेस्टिनेशन। अब हम पहुँच गए जी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर आपको ऐसे फोटो खिंचाने की बहुत सारी जगह मिलेंगी, देख रहे हो इनके साथ फोटो खिंचा सकते हो, याक के साथ, ऐसे व्यू के साथ। पर यहाँ पर आना फेमस क्यों है, इम्पोर्टेंट ये है,
तो ये बताते हैं आपको कि हम कौन सी जगह पर पहुंचे। यहाँ पर भी है तो एक मंदिर, चांगू शिव मंदिर। मंदिर है जी, मंदिर शिव मंदिर तो है ही है। और यहाँ पर ये चांगू मंदिर के अलावा इस जो ये लेक है इसको बोलते हैं जी चांगू लेक। क्या खूबसूरत सी लेक है। बहुत ही बढ़िया दिन रहा हमारा, थोड़ा ऊपर गए थोड़ा नीचे गए। इंडिया और चाइना का बॉर्डर देख के तो ऐसा लगा कि मतलब कितना ही पास में खड़े हैं। इधर से ऐसे चाइना के लोग हमारे को ऐसे ऐसे दिख रहे थे, तो दिन बहुत ही खूबसूरत रहा। जैसा कि हमने आपको बोला कि आप जाएं तो कपड़े लेकर जाएं, नहीं तो ठंड लग सकती है। हमारी आवाज़ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। आके हम रेस्ट किया है, उसके बाद अब खड़े होकर आपसे ये बातें कर रहे हैं। बाकी रहा जो कैब वैब का सीन, क्या है जिधर आप होटल में रुक रहे हैं वहीं से आप अगर होटल वालों को बोलेंगे तो वो आपको परमिट बना के दे देंगे। कुछ 900 रुपये लगे थे हमारे शेयरिंग कैब में। अगर पर्सनल टैक्सी करना चाहते हो तो 3 से 4 हज़ार, कुछ शायद 5 हज़ार रुपये लग जाएंगे, वो आप पता कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पता नहीं किया तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है ऐसे आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये सीन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन पहले भी बोलेंगे तो आपका परमिट बन जाएगा। और अगर आपको आगे की सीट चाहिए, जैसे कि हमारे को शूट करना था, आपको दिखाना था, तो सुबह 6 बजे उठ के गए थे, बहुत ही जल्दी जाना पड़ता है। तो ये एक चक्कर है जिसके लिए आप जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना, ठीक है। वैसे लाइक भी हम थोड़े से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कर दिया करो यार 2000-2500 कुछ। चलो आज की हम लिमिट रखते हैं 2500 तक कर देना। थोड़ी सी तबीयत और थोड़े से मौसम के अनुरूप आप इतने लाइक तो करके जा ही सकते हो, बाकी कमेंट कर भी देना। तो ठीक है जी, अभी वापस दवाई ली है, अभी सो जाएंगे, जल्दी से ठीक हो जाए, फिंगर क्रॉस्ड। ठीक है जी, हम तुसी भी आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, राम राखा जी। थोड़ी जी प्रे करिए, जल्दी ठीक हो जाइए ताकि आपको और बढ़िया बढ़िया जगह घुमा सकें।